लॉकडाउन के दौरान मंगलवार को भी ग्रामीण क्षेत्रों और महानगर की सभी सड़कों पर सन्नाटा पसरा रहा। ग्रामीण क्षेत्र में बने चेक पोस्टों का एसपी साउथ विपुल कुमार श्रीवास्तव ने चेक पोस्टों के रजिस्टर को बाकायदा चेक कर लोगों को जागरूक किया। वहीं महानगर की सड़कों पर बेवजह घूम रहे लोगों को पुलिस द्वारा पकड़कर एक मीटर की दूरी पर घेरा बनाकर बैठाया गया। शहर के बाहरी क्षेत्र नौसड़ चौराहे पर जनपदों और प्रदेशों से आने वाली गाड़ियों का नंबर नोट किया गया और गाड़ियों से आने वाले यात्रियों का थर्मल स्कैनिंग कराया गया। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एडीएम सिटी राकेश कुमार श्रीवास्तव ने कहा, पचास पेटी का ऑर्डर है, कैसे ले के जाएगा वो सब चीज मत देखो, ओवरलोडर वो ठीक है। कहाँ जा रहे पास कहाँ से लिए? ऑनलाइन से निकला है। आरओ का इसी समय सर्विसिंग करनी है, इमरजेंसी में दो जगह इमरजेंसी आरओ है। इंजीनियर है, टेक्नीशियन है सर, इसी से होगा। ऐसे एक लाठी पड़ेगा सर, टेक्नीशियन सब गायब हो जाएगा, बढ़ गया 3 मई तक, मालूम है। निकालो पहले मेरे फोन को, खाने से निकालो, अब जाओ, मतलब 5 मिनट बर्दाश्त नहीं पाता। कोटा राजस्थान। कहाँ जाएंगे? यहाँ पे है वो बच्चों, कोचिंग के बच्चों को ले जाएंगे। महान लोग है मास्क
का ना चले। भारत सरकार ने ये निर्णय लिया है कि लॉकडाउन 3 मई तक लागू रहेगा। यथावत लॉकडाउन की सारी व्यवस्थाएं हैं पहले से, उन्हें कंटिन्यू रखा जाएगा और लॉकडाउन का 100% पालन कराया जाएगा। इस समय काफ़ी कंट्रोल्ड स्थिति है और जो हमारे एसेंशियल सप्लाईज़ के ऑफिसर्स और कर्मचारी हैं वो विजिट पर रहते हैं। इसके अलावा कोई इमरजेंट कोई समस्या किसी सिटीज़न की है तो वो अपना ई पास लेके बाहर आता है। बाकी सारी स्थिति नियंत्रण में है।